6,000 रुपये लेके हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, हमारे इस ट्रेडिंग करने पे कौन से दिन मेरे को प्रॉफिट मिलता है, कौन से दिन मेरे को लॉस होता है, मेरे ट्रेडों के पीछे क्या लॉजिक रहता है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताते हैं। इस 6,000 रुपये को मैं जो है 6 लाख तक लेकर जाने वाला हूँ। एंड ये हमारा इस ट्रेडिंग जर्नी का एपिसोड नंबर है 94। सो आज के दिन हम लोगों ने कैसे किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताते हैं। बट उससे पहले आप सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार अपने ओर से एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। कोई भी भाई अगर चैनल पर नए हो, आपको मेरा ट्रेडिंग जर्नी ट्रेडिंग सीरीज पसंद आ रहा है, आप लोग चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वैसे ये टोटली आपका पर्सनल चॉइस है। ओके, तो लास्ट डे हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया था मार्केट में, एंड उसके बाद एक बड़ा सा लॉस बुक किया था। एंड बड़ा सा लॉस कितना बुक किया था, 8,003, मतलब बड़ा सा लॉस मतलब 350 रुपये का ही लॉस बुक किया था। एंड उसके बाद मेरा जो कैपिटल बना था वो है 8,350। मैं गलती से बोलने वाला था कि 8,350 का लॉस बुक किया था, एक्चुअली ऐसा नहीं है, छोटा सा लॉस बुक किया था, छोटा मतलब मेरे हिसाब से बड़ा है वो 350 रुपये का लॉस बुक किया था। एंड उसके हिसाब से मेरा कैपिटल 8,350 का बना था। तो यही लेके आज हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, एंड आज दोस्तों 18 अप्रैल, तो आज का मार्केट भी एकदम बढ़िया है। तो मार्केट में कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, मैं अपना ट्रेड का पोजीशन बताने से पहले आप सभी भाइयों से ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड किया क्या, आप लोगों ने इस एक्सपायरी पे मज़े उठाए एक्सपायरी का। और एक्सपायरी में आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा दो कैंडल हम लोगों को देखने को मिला, 300 पॉइंट का मार्केट में रैली हम लोगों को देखने को मिला। क्या आप लोगों ने इस रैली पर प्रॉफिट बनाया, अगर प्रॉफिट बनाया तो कमेंट करके बताओ, या लॉस बनाया कमेंट करके बताओ, जो भी आप किए हो, प्रॉफिट या लॉस जो भी आप किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। क्योंकि लॉस और प्रॉफिट दोनों ही हम लोगों का स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है, कुछ भी खराब नहीं है, दोनों ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। बस किस चीज़ से, किस जरिए से कर रहे हो, किस माइंडसेट से कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अपने कुछ गलती की वजह से लॉस कर रहे हो, देन वो गलत है, उस गलती को सही करो, समझ रहे हो, ऐसा चीज़ है। तो फटाफट आप लोग पहले कमेंट करके बताओ, फिर मैं बताता, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मतलब मैं हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो लोग मेरे पुराने वीडियोज़ देख रहे हो, पुराने सीरीज़ देख रहे हो, आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट ने कितना प्यारा सा आके मेरा जो सपोर्ट वाला लाइन था वहाँ से मार्केट ने एक छोटा सा रिजेक्शन जो है अपसाइड दिखाया है, क्या मस्त यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। ये मेरा पुराना लाइन है, मैं अभी ड्रॉ नहीं किया, मैं ये मेरा 3-4 दिन से ड्रॉ है मेरे चार्ट पे। आप लोग अगर पुराना वीडियो देख रहे हो तो आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को मार्केट में क्या देखने को मिला, या से तो कंटिन्यू सेलिंग हो रहा था, आप लोग देख सकते हो यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग हो रहा था, लेकिन 16 तारीख में हम लोगों को एक थोड़ा सा ठहराव आप लोग कह सकते हो देखने को मिला था, कि जिस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे साइड आ रहा है, यहाँ पे भी नीचे साइड आ रहा है, लेकिन इस वाले दिन मतलब पिछले दिन हम लोगों को एक थोड़ा सा ठहराव देखने को मिला था, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे एंड भी हुआ था, मतलब कोई भी खास हम लोगों को जो है डाउनफॉल इस दिन हम लोगों को देखने को नहीं मिला था। तो इसी वजह से आज का मार्केट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मार्केट में सब लोगों को, मार्केट बहुत चलाक है, मार्केट में क्या क्या किया सब लोगों को आप लोग देख सकते हो, जैसे मार्केट डाउन आ रहा था तो सबको लगा मार्केट यहाँ पे आके रुकेगा, ये सबका व्यू बना। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट दिखाया कि मैं थोड़ा सा अप जा रहा हूँ, तो अब जैसे लोग अपसाइड में घुसा फिर सबको नीचे पटका, एकदम से नीचे आया, ठीक है। देखिए ये तो 1 आवर का सीन था, और मैं ट्रेड लेने के लिए ज़्यादातर 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है समझा पाओ। ओके, तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ओके देखिए, तो इस जगह पे मार्केट में आप लोग देख सकते हो पहले ओपनिंग दिया, ओपनिंग करने के बाद ऑलमोस्ट एक डब्लू टाइप का पैटर्न जो है मार्केट बना रहा था, एकदम प्रॉपर डब्लू तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा डब्लू टाइप का था। एंड इस जोन को बनाने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, एंड ऊपर जाने के बाद मार्केट 22,300 के जस्ट नीचे था, 22,300 के जस्ट नीचे था। तो यहाँ पे मेरा व्यू क्या था कि मार्केट इस जगह से एक डाउन मूव देगा, ये मेरा क्लियर कट व्यू था, मैंने अपना एंट्री भी बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया। मुझे पता था कि मार्केट थोड़ा सा करेगा ऐसा, कि मार्केट थोड़ा सा पहले अप मूव दिखाएगा, मतलब 22,300 से थोड़ा पहले ऊपर जाएगा फिर ही मार्केट नीचे आएगा, ये चीज़ मुझे क्लियर कट पता था, लेकिन फिर भी मैं इस जगह पे मार्केट के द्वारा ट्रैप हो गया। मेरा हालांकि व्यू जो मेरा जो व्यू था वो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन फिर भी ये छोटा सा ट्रैप मैं हो गया। देखिए आज मैंने कौन से जगह पर ट्रेड लिया, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था वो मैंने इनिशिएट किया इस जगह पर 22,302 पे, 22,302 का ये जो कैंडल दिख रहा ना, इस जगह पे मैंने अपना ट्रेड को जो है इनिशिएट किया। लेकिन आज मेरा एंट्री थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, एंट्री थोड़ा सा नीचे हो गया था ऑलमोस्ट इस जगह पे, 22,300 पे मैंने एंट्री किया, 302 पे नहीं, 300 पे मैंने एंट्री किया। अब देखिए यहाँ पे मेरे को लॉस कैसे हुआ, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रीमियम का चार्ट आपको ज़ीरोधा से दिखा रहा हूँ, क्योंकि एम स्टॉक का प्रीमियम चार्ट खुल, एम स्टॉक का डेस्कटॉप वर्जन मतलब वेबसाइट साइट जो है खुल नहीं रहा, मतलब मार्केट जब से बंद हुआ उसके बाद से मैं कोशिश किया मैं वीडियो बनाते वक्त, तो ये खुल नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ से तो नहीं दिखा पा रहा। मैं अपना फ़ोन का इनका ऐप जो है वो रनिंग है, वो खुल रहा अभी, उस पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले आप लोग देख लो मेरा ऑर्डर लिस्ट, देखो ऑर्डर पे आप लोग देख सकते हो मैंने बाय किया
एक ही शेयर मतलब एक ही वो बाई किया, क्वांटिटी एक ही बाई किया था और 2 पॉइंट का मैंने आज एसएल लिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा मुझे डाउट था कि यहाँ से मैं हो सकता है कि फेल होने का चांसेस ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने आज जो एसएल लिया वो खाली 2 ही पॉइंट का लिया, मतलब 100 ही पॉइंट का लॉस किया। 77 पे बाई किया और 75 पे मैंने सेल कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहाँ पे बाई किया आप लोग देख सकते हो एकदम क्लियर, यहाँ पे टाइम देख सकते हो कितना है 11:55, तो मेरा एंट्री भी वही टाइम पे हुआ था 11:55 पे। यहाँ पे प्रीमियम के ऊपर अगर हम लोग आ जाते हैं तो 11:55 मतलब इस वाले कैंडल पे, इस जगह पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ऑलमोस्ट 11:55 हाँ इस वाले कैंडल पे, यहाँ पे देखिए मैंने अपना एंट्री कहाँ पे बनाया था, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट पे दिखाया 77 पे मेरा एंट्री था, मतलब मैंने अपनी एंट्री बना ली थी इस जगह पे, ऑलमोस्ट इस जगह पे, प्रीमियम के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैंने इस जगह पे अपनी एंट्री बना ली थी और मैंने 2 पॉइंट कैसे रखा था 75 तक का, तो मेरा तुरंत हिट हो गया। इसमें मेरा गलती कहाँ हुआ, मेरा एंट्री थोड़ा सा गलत हो गया था, मैंने 77 पे एंट्री बनाई, एंट्री मुझे बनानी थी 75 पे, तो एकदम परफेक्ट रहता और मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, एकदम 72 तक नीचे आया, 72.1 तक नीचे आया, देन यहाँ से ऊपर गया। तो देखिए मेरा जो व्यू था, मेरा व्यू एकदम क्लियर था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, इस जगह से, इस पॉइंट से मार्केट नीचे जाएगा। अगर मैं थोड़ा बड़ा एसएल के साथ चलता तो इजीली मैं ये बड़ा जो रैली है ये बुक कर सकता था। देखो मेरा लॉस हुआ इस बात का मुझे दुख नहीं है, लेकिन बल्कि मुझे इस बात का खुशी है, मेरा जो व्यू था, मेरा जो डायरेक्शन था कि मैं जिस डायरेक्शन पर ट्रेड लिया एकदम एक्यूरेट था, वही ट्रेड भी एकदम एक्यूरेट था, बस मेरा एसएल का थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ। एसएल अगर मैं थोड़ा बड़ा रख सकता था तो रख पाता तो इस ट्रेड में हालांकि प्रॉफिट होता। अच्छा एसएल का छोड़ो, एसएल में जितना लेके चलता हूँ ना, जैसे 2-3 पॉइंट का मैं एसएल लेके चलता हूँ, उस एसएल में भी मैं आज प्रॉफिट बना सकता था। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मेरा डेली का लॉस लेने का लिमिट है 150 रुपीज़, मैं 150 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करता हूँ, मतलब नहीं करने का पूरा कोशिश करता हूँ, किसी किसी दिन हो जाता है, ठीक है। 150 रुपये मेरा लॉस हो जाता है तो मैं और ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरा 300 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाता है तो मैं उसके बाद भी और ट्रेड नहीं करता हूँ। तो ये दोनों जो पैरामीटर को जो है मैं ध्यान में रखते हुए चलता हूँ, इन दोनों चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा मानते हुए चलता हूँ। तो आज का ट्रेड में अगर सही जगह पे एंट्री करता, जैसे 75 पे मैं अगर एंट्री बना पाता, इस जगह पे मैं अपना एंट्री अगर बना पाता तो इजीली यहाँ से मुझे 85 तक मिल रहा था, 10 पॉइंट का उससे ज़्यादा भी मिल रहा था। तो मेरा जैसा मैंने टारगेट बताया कि 300 रुपये ओनली, मतलब 6 पॉइंट तो आराम से निकाल लेता, बस मेरा वही क्या गलती किया मैंने कि एंट्री मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, एंट्री मेरा थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो इसी वजह से यहाँ से मेरा जो है कट गया और मेरा एसएल चल गया। और आज मैंने 2 ही पॉइंट का एसएल रखा था क्योंकि इस ये ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की था, हालांकि व्यू मेरा परफेक्ट था। कोई भाई अगर बड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा 10-20 पॉइंट का एसएल के साथ अगर ये ट्रेड लिया है ना किसी भाई ने, एक अच्छा प्रॉफिट इन्होंने यहाँ पे बना होगा, क्योंकि अगला कैंडल देखो क्या मस्त कैंडल बना, एक कैंडल में सीधा 100 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल हम लोगों को देखने को मिला और इसके बाद तो मार्केट भाई नीचे गिरते ही चला गया। क्या ही प्रॉफिट बना, जो लोग पुट पे लिया ना आज परफेक्ट हीरो जीरो बनाया होगा निफ्टी पे, जिन भी भाई ने पुट पे लिया। तो देखिए मेरा तो ट्रेड यही था, मैंने इसी जगह पे ट्रेड लिया और मेरा थोड़ा सा गलती की वजह से, थोड़ा सा रॉन्ग एंट्री की वजह से मेरा कट गया, हालांकि मार्केट पूरा नीचे आया, देन 3 PM के आसपास थोड़ा सा रिकवरी हम लोगों को देखने को मिला, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत थोड़ा सा एक रिकवरी छोटा सा हम लोगों को देखने को मिला आज के मार्केट में। आज का मार्केट यही था। और हाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ एम स्टॉक, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाया था कि मेरा जो ऑर्डर पंच था वो एम स्टॉक से ही था। कि मैं एम स्टॉक इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं अगर यही ट्रेड जीरोधा या धन ऐप के थ्रू करता ना, मेरा पता है लॉस कितना रहता, मेरा लॉस रहता आज का 150 कैसे लॉस रहता, क्योंकि देखो बस 100 रुपये तो मेरा नॉर्मल लॉस हुआ जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया अभी, 100 रुपये मेरा नॉर्मल लॉस हुआ और 50 रुपये तो ब्रोकरेज लग जाता। तो ऐसे ही भाई देखो मैं जितना भी ट्रेड करता हूँ उसमें से ब्रोकरेज से मेरा बहुत फटता है, क्योंकि दिन का मैं 3 ट्रेड मान लो कर लिया तो मेरा 150 रुपये तो ब्रोकरेज में चल जाएगा, या फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो होगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसी वजह से मेरा देखो ब्रोकरेज से बहुत ख़राब लगता है मुझे ब्रोकरेज भरना, और ब्रोकरेज मैं बहुत भर भी चुका हूँ, मैं पहले जीरोधा में ट्रेड करता था, तो इसीलिए मैंने एम स्टॉक को चूज़ किया। एम स्टॉक में ब्रोकरेज बिल्कुल भी फ्री है। तो आप लोगों में से भी कोई भाई अगर ब्रोकरेज से परेशान होना, देन डेफिनेटली एम स्टॉक पे अकाउंट आप लोग आके जो है बना सकते हो, क्योंकि एक बिगिनर के लिए अगर ब्रोकरेज भी बचा पा रहे हो ना आप, तो बहुत ज़्यादा वो होता है, क्योंकि डेली का आपको माइंड में ये लेके चलना पड़ता है क्योंकि पैसा खर्चा हो या ना हो एटलीस्ट आपका पैसा मतलब लॉस ना हो।
आपका बढ़े या ना बढ़े चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपका लॉस ना हो, इस चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। तो इसी वजह से मेरे लिए तो ब्रोकरेज बहुत मैटर करता है। आप में से भी कोई भाई अगर ऐसे डेली का 200-300 रुपये ब्रोकरेज भर रहे हो, तो भाई हिमस्टॉक पे अकाउंट बनाओ और 200-300 रुपये बचाओ, ट्रेड में इस्तेमाल करो और पैसा बनाओ उससे, और क्या, सिंपल। देखो जिनको पसंद है हिमस्टॉक, जिनको, जो लोग जीरो ब्रोकरेज चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाओ अकाउंट बनाओ और मजे लो, बस सिंपल। आज का वीडियो बस इतना ही, आगे मिलता हूँ फ्रेश न्यू वीडियो से, तब तक के लिए स्टार्ट एंड बाय बाय।